एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये ए बी मैट्रिक्स गिवन है आपको और इसमें जो है आपको इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। ये क्या है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, इसको आप कहते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ये ए बी है, आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल रहा है, फिर आपने एडजॉइंट ए फाइंड किया, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी कैसे, हमने पूरी वर्सेस यहां पे शो नहीं कराई है, माइनर कोफैक्टर देन एडजॉइंट है। ठीक है, इसकी पहले वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, तो यहां पर आप एडजॉइंट ए ए बी फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ये ए वन वन है, ए वन टू है, ए टू वन है, ए टू टू है, ट्रांसपोज करेंगे आपको ये मिलेगा वर्किंग। इसके बाद फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला है ए बी इनवर्स का, तो ए इनवर्स फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। ठीक है, यहां पर ए बी ए बी प्लस पर ए बी आ जाएगा, इस फॉर्मूले को मैंने यहां प्लेस किया तो ये हो गया माइनस वन अपॉन इलेवन इंटू एडजॉइंट ए, तो माइनस मैंने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, वन अपॉन इलेवन फोर्टीन फाइव 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 वन, ये ए बी इनवर्स आ गए। खाली कैलकुलेशन है क्लास, इसको कोई एक्सप्लेन करने की बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। ए डिटरमिनेंट माइनस इलेवन आ रहा है, ए बी डिटरमिनेंट भी आपका माइनस इलेवन था। ठीक है, जो हमने यहाँ पर जो ए बी हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये भी माइनस इलेवन आ रहा है, फिर ए डिटरमिनेंट माइनस इलेवन है, एडजॉइंट ए से वर्क सेम वे में हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, मैं भी आपको एक करके बता दूंगा, एक एक एडजॉइंट फाइंड करना जिससे आप ए भी फाइंड कर सकते हैं और बी भी फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बाद मैं अभी करा दूंगा इसके बाद एक। तो एडजॉइंट ए को ट्रांसपोज किया आपने, वर्किंग आया, फिर ए भी आपने ए इनवर्स फाइंड किया, इनवर्स आ गया, देन अगेन फिर आप बी पर आए, बी डिटरमिनेंट की वैल्यू वन है, एडजॉइंट बी, देन बी इनवर्स वैल्यू आ गया, फिर आपने देखिए ये आंसर, ये जो है ये एलएचएस की वैल्यू है, ये एलएचएस है और आरएचएस निकालना है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, बी एंड ए इनवर्स निकालेंगे, तो हमने देखिए ए इनवर्स में ध्यान दीजिए, ए इनवर्स में माइनस वन अपॉन इलेवन है, राइट, हम माइनस वन अपॉन इलेवन मैंने मैंने आगे कर लिया, बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है माइनस फोर्टीन माइनस फाइव माइनस सेवन माइनस वन, माइनस को मल्टीप्लाई किया वन अपॉन इलेवन फोर्टीन फाइव फाइव एंड वन, ये वैल्यूज के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर वो ये है कि एडजॉइंट ए फाइंड करना, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि आप एडजॉइंट ए सीख जाए, कि मैंने यहाँ फाइंड नहीं किया है, मैं आपको करके बता देता हूँ मैंने कैसे फाइंड किया। तो मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेके मैं एडजॉइंट ए आपको फिर से निकालना सिखा देते हैं, वो मैंने तीनों में काम किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने ए बी लिया, ए बी की जो वैल्यू आ रही है, ए बी मैट्रिक्स का जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस वन फाइव फाइव एंड माइनस इलेवन, ये ए बी आ रहा है। अब आपको एडजॉइंट ए बी फाइंड करना, राइट, तो एडजॉइंट ए बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम वन वन माइनस फोर्टीन एम वन टू, एम वन टू मतलब ये डिलीट दिस रो दिस कॉलम, फाइव आएगा फाइव आ गया, एम टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहां पर आएंगे, इसको दोनों क्लोज करेंगे फाइव हो जाएगा, यहां पर फाइव आ गया। ठीक है, फिर एम टू टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मींस माइनस वन आएगा, इसका फाइंड करेंगे तो माइनस वन आएगा। अब आप एडजॉइंट निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे, इसमें सब इसका इवन है, सेम वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर्टीन, फिर ए वन टू ऑड है साइन चेंज हो जाएगा, ए टू वन सम इसका ऑड है साइन चेंज हो जाएगा, एंड ए टू टू सम इवन है साइन सेम रहेगा, राइट। अब आप एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए बी इज आप साइड टर्म्स को लिखा क्या कह रहा है, माइनस फोर्टीन माइनस फाइव माइनस वन एंड माइनस वन ऑफ क्लास। अच्छा, अब इसमें आप देखिए ध्यान दीजिए, अभी
अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, या ट्रांसपोज करेंगे, या ट्रांसपोज करेंगे आप तभी तो कर लेंगे, वो फैक्टर लिखने के बाद आप ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा सिर्फ ये आपका हो गया माइनस फोर, रो इनटू कॉलम चेंज हो जाएगा माइनस 14 माइनस 5 माइनस 5 एंड माइनस 1, ठीक है क्लास। तो ये आपका देखिए जॉइंट ए बी ए जो आ रहा था ना माइनस 14 माइनस 5 माइनस 5 एंड माइनस 1 सेम वर्किंग आ रहा है, ठीक क्लास। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, इसके बाद मैं एक मैंने एडजॉइंट ए बी फाइंड करना होता है, ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर क्लास ये क्वेश्चन है, ये एक आपका न्यू टाइप है, इसमें आपको मैट्रिक्स गिवन है और एक इक्वेशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और इस क्वेश्चन के बाद इसमें आपको ए इनवर्स डिफाइन करना है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन कंप्लीट था, ठीक है। मतलब आपको इस इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड करना है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू 0, ये नल मैट्रिक्स है, इट इज नॉट 0, नल मैट्रिक्स है, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ए आपको 2 क्रॉस 2 का दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, पहले आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसमें खाली आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखने को, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, एंड 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, एंड 2 2 जा 4, ये स्क्वायर आ गया, 7, 4, 12 एंड 7, ठीक है, ये स्क्वायर। आप इसको वैल्यू प्लेस करते हैं वहां पर, सिंपली हो जाएगा, ये स्क्वायर फाइंड करना था, तो ये आपको हो जाएगा, मैं यहाँ वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 7, 12, 4 एंड 7, ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस 4a, a क्या है, 2, 1, 3, 2, एंड प्लस i, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू 0 आपको लाना है, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अब आपका 7, 12, 4, 7 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 एंड 12, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 1, 0, 0, 1 इज इक्वल टू 0, 0, 0, 0, ठीक है। इनको करस्पॉन्डिंग टर्म इसकी इवैल्यूएट हो जाएंगे, 7 माइनस 8 प्लस 1, 4 माइनस 4 प्लस 0, 12 माइनस 12 प्लस 0, 7 माइनस 8 प्लस 1, राइट। देखिए आपको 0, 0, 0 मिल रहा है, ठीक है ना, नॉट इज हेड टू, बट अभी इस क्वेश्चन को बीट नहीं हुआ है, अभी इस क्वेश्चन को हम यूज करके दोनों साइड 0, 0 आ गई, 0, 0, 0, 0, आप देख रहे हैं सब कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम यूज करके ए इनवर्स फाइंड करना है, चीज आपको सीखना है, ये बहुत सिंपल चीज है, बहुत कोई टफ चीज नहीं है, पूरी फैसी बहुत कैलकुलेटिव है, खाली बस कैलकुलेशन है इसमें। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए आपको ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इक्वल टू जीरो दिया गया, आप सबसे पहले आई को उधर ले जाए, माइनस हो गया, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए स्क्वायर इसको ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल चीज है, फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, ठीक है ना, ए इनवर्स ए ए माइनस फोर ए इंटू फोर ए इनवर्स इंटू ए एंड माइनस आई इंटू ए इनवर्स, ओके। ये चीज आपको वन आई मिलेगा, आई मीन्स वन, ये फोर हो जाएगा, आई हो गया, ये माइनस
आपका आई इंटू ए इनवर्स होगी, आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। इस माइनस साइन को आप इधर लेकर आइए, तो ये ए इनवर्स साइन इनवर्स हो जाएगा, फोर आई माइनस ए आएगा, इट इज ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या हो गया, फोर आई माइनस ए आपको फाइंड करना है। फोर आई क्या है, 1001, ठीक है ना। ए क्या है, 2312, यहां से देखिएगा, ठीक है। अब आपको उसको इवैल्यूएट करना है, आपको ए इनवर्स मिलेगा, यहां पर कर रहा हूं, ए इनवर्स इज 4004 माइनस 2132, ओके। माइनस कर लीजिए, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 2, राइट। दिस इज द ए इनवर्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन ओवर।